हेलो एंड वेलकम टू इंग्लिश विद जेपी सर और इस वीडियो में आप विद के डिफरेंट यूजेस सीखेंगे बहुत सारे एग्जांपल्स मैंने लिए हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि आफ्टर दिस वीडियो यू विल बी रियली गुड एट यूजिंग विद यानी इस वीडियो को देखने के बाद आप विद को बहुत अच्छी तरह से अपनी इंग्लिश में यूज कर सकते हैं सो लेट स्टार्ट वेल सबसे पहले विद होता है किसी के साथ तो आप यहाँ पे सेंटेंसेस देख सकते हैं यहाँ पे आपको ऐसा फीलिंग आएगा कि कोई चीज किसी के साथ है जैसे आई एम नॉट कमिंग विद यू मैं तुम्हारे साथ नहीं आ रहा हूँ आई डोंट वॉन्ट टू बी विद यू मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता हूँ टेक दिस मेडिसिन विद मिल्क ये मेडिसिन आप मिल्क के साथ लीजिए दिस बाइक इज फ्री विद द कार ये बाइक कार के साथ फ्री है मुफ्त है आई एम ऑलवेज विद यू मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ ही वर्कस विद सो मच एंथजियाजम वह बहुत सारे जोश के साथ काम करता है आई डोंट वॉन्ट फाइट विद यू मैं तुम्हारे साथ फ़ाइट नहीं करना चाहता हूँ ध्यान रखना जब भी आप वाना यूज़ करें तो ये एक इनफॉर्मल वे में होता है आप राइटिंग में कहीं एग्जाम में आप वाना नहीं यूज़ करते वहाँ पर वॉन्ट टू यूज़ करते हैं सो आई डोंट वॉन्ट टू फाइट विद यू कै है वर्ड विद यू क्या तुम्हारे साथ में कुछ बात कर सकता हूँ ही केम फॉर द इंटरव्यू विद सो मच पैशन इन हीज आईज तो वह इंटरव्यू के लिए आया अपनी आईज में बहुत सारा पैशन लिए विदेवी हार्ट ही सोल्ड इज कार बहुत ही दुखी मन के साथ उसने अपनी कार बेच दी आर यू हैप्पी विद योर म्यूजिक लेसन क्या तुम अपने म्यूजिक लेसन्स के साथ में हैप्पी हो द टीचर गॉट एंग्री विद दैम बिकॉज देवर बिहेविंग बैडली तो टीचर उनके साथ गुस्सा होगी क्योंकि वह बहुत बुरा व्यवहार कर रहे थे आई एम डिलाइटेड विद दिस न्यू जैकेट मैं इस नई जैकेट के साथ बहुत खुश हूँ या इस नई जैकेट से बहुत खुश हूँ इट्स वेरी डिफिकल्ट टू लिव इन मेट्रो सिटीज विद ऑल द पॉल्यूशन इन ट्रैफिक तो मेट्रो सिटीज में जैसे दिल्ली मुंबई इसमें रहना बड़ा मुश्किल होता है बिकॉज यहाँ बहुत सारा ट्रैफिक है और पॉल्यूशन है तो यहाँ पे भी विद का यूज होता है आई कोडेंट स्लीप विद द नॉइज ऑफ द ट्रैफिक मैं ट्रैफिक की नॉइज़ की वजह से नहीं सो सका या ट्रैफिक के नॉइज़ के साथ में नहीं सो सका ओके इसको कहने का यही मीनिंग है अब विद का हम एक और यूज़ लेंगे तो जब भी हम कोई टूल की बात करते हैं टूल मीन्स कोई औजार कोई उपकरण कोई चीज़ जैसे चाकू हो गया कैंची हो गई इस तरह की चीज़ें इनमें हम विद का यूज़ करते हैं आप देख सकते हैं एग्जाम्पल्स ही हैज़ कट हिज फिंगर विद अ नाइफ़ उसने नाइफ से अपना फिंगर काट लिया है ही शॉट द टाइगर गन तो उसने गन से टाइगर को शॉट किया आई रोट द लेटर पेंसिल से लेटर लिखा ही कैप्चर्ड ऑल द अ स्मार्टफोन उसने स्मार्टफोन से सारे एक्शंस कैप्चर किए एक्शन कैप्चर करने का मतलब फोटो कैप्चर करना वीडियोस बनाना तो इसको हम कहते हैं एक्शंस कैप्चर करना सीधा कट विद विदर्स तो सीता ने कैंची से कपड़े कपड़ा काटा ही फिक्स द रेफ्रिजरेटर स्क्रू ड्राइवर उसने स्क्रू ड्राइवर से यानी पेजक से फ्रिज ठीक कर दिया फ्रिज को फिक्स कर दिया हिट हिज फ्रेंड विद उसने अपने फ्रेंड को बॉल से हिट किया द टीचर बीट द किड स्टिक टीचर ने बच्चे को स्टिक से मारा आई मेड दिस फिगर विद्पस मैंने यह फिगर कॉम्पस से बनाया कॉम्पस होता है प्रकार आप जानते हैं आई एल्टा with विद tape टू कीप इट closed. तो मैं इसको बंद रखने के लिए टेप से बांधूँगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जैसे नाइफ़ हो गया वो भी एक तरह का टूल है गन एक तरह का टूल है पेंसिल ठीक है तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा ध्यान में रखिएगा कि जब हम इस तरह से यूज़ करते हैं जैसे कार से मार्केट जा रहा है तो इसमें बाय कार आता है ना कि विद कार ओके तो कार बस ट्रेन इसमें बाई यूज़ करते हैं और अब हम कुछ और यूजेस की बात करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ सर्टेन वर्ड्स होते हैं सर्टेन वर्ब्स होती है उनकी बात कुछ हम फिक्स्ड प्रपोजिशन लगाते हैं तो इन यहाँ पे आप देख सकते हैं इन सिचुएशंस में विद का यूज़ करते हैं जैसे अग्री है अग्री के साथ हम ज़्यादातर हम विद का ही यूज़ करते हैं अग्री डिसअग्री ओके आई डोंट अग्री विद यू मैं आपसे सहमत नहीं हूँ तो यहाँ पे अग्री के साथ विद आता है अग्री विद यू आई वॉज डिसंटेड विद द फूड तो मैं मुझे खाने से बहुत निराशा हुई है मुझे आई I मीन mean, मैं फूड से बहुत डिसअपॉइंटेड था माई पेरेंट्स वर स्ट्रिक्ट विद मी वैन आई वॉज अ चाइल्ड जब मैं बच्चा था तो मेरे माता पिता मुझसे बहुत स्ट्रिक्ट थे शी मेड कॉन्टेक्ट विद मोनिका आफ्टर टेन ईयर्स तो यहाँ पे शी मेड कॉन्टेक्ट विद मोनिका आएगा शी मेड कॉन्टेक्ट मोनिका मत लिखना या फिर आप कह सकते हैं शी कॉन्टेक्टेड मोनिका वो अलग बात है बट यहाँ पे मेड कॉन्टेक्ट तो विद लगाते हैं ठीक है शी इज रियली गुड विद कंप्यूटर्स तो वह कंप्यूटर्स के साथ में बहुत अच्छी है ही ऑलवेज हेल्प्ड अमित विद द कुकिंग तो यहाँ पे हेल्प्ड अमित कुकिंग नहीं आएगा हेल्प्ड अमित विद द कुकिंग ओके आई एम सो बोर्ड विद दिस स्मॉल टाउन तो मैं स्मॉल टाउन से बहुत बोर हो चुका हूं या मैं बहुत हाँ बोर हो गया हूँ तो इसमें आई एम सो बोर्ड विद दिस स्मॉल टाउन द कंपनी प्रोवाइड विद अ कार एंड अ यूनिफॉर्म तो ध्यान रखना आप ये नहीं बोलोगे द कंपनी प्रोवाइड अस अ कार एंड अ यूनिफॉर्म कंपनी प्रोवाइड us विद अ कार एंड अ यूनिफॉर्म ओके तो कंपनी कार और यूनिफॉर्म प्रोवाइड करती है तो इस तरह से उसमें आएगा वी हैड सम डिफिकल्टीज विद द प्रोडक्शन ऑफ द manual. तो यहां पे डिफिकल्टीज के साथ हम विद यूज करते हैं डिफिकल्टी विद समथिंग कम्युनिकेटिंग विद द न्यू कस्टमर्स इज इंपॉर्टेंट इन माई जॉब तो नए कस्टमर के साथ में कम्युनिकेट करना हमारी जॉब में बहुत इंपॉर्टेंट है मेरी जॉब में बहुत इंपॉर्टेंट uh, है तो आई होप यहाँ पे आपको समझ आ गया होगा कि किन पर्टिकुलर वर्ब्स के साथ में किन सिचुएशंस में हम विद का कर यूज़ करते हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत सही से समझ आया होगा थैंक्स फॉर वॉचिंग आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में टेक केयर